बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और चाहने वालों को मेरा सलाम आदाब एंड गुड इवनिंग। मैं उबैद यूसफान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम दिन है और वो इस लिहाज से भी कि अगले कुछ ही घंटों में शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब अनाउंस कर सकते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, और उसके लिए जो उनको मुख्तलिफ नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं, आइंदा कुछ ही लम्हों में यानी कल या परसों तक की बात फ़ाइनल हो जाएगी कि हमारा अगला निगरान वज़ीर-ए-आला साहब कौन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब कौन होंगे। हफीज़ शेख साहब का नाम भी सामने आ रहा है और इसके अलावा भी दो तीन नामों पे गौर किया जा रहा है। इसहाक़ डार साहब के नाम पे पहले भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वो पैदा हो गई थी। अब ये भी बात सामने आ रही है कि शायद ये जो मामला है ये और तूल पकड़ेगा। इसी पर बात होगी, साथ ही साथ खान साहब की गिरफ्तारी, उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो सकते हैं, और अटक जेल में इस वक्त वो किस कंडीशन में है। हुमायूं दिलावर साहब, वो बहसियत एक जज, उसकी पर्सनालिटी बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई, उस पर बात करेंगे। और इस वक्त जो एक सिनेरियो चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ तज़ियाकार कमरान खान साहब की जो गुफ्तगू और उसका जो करंट एक व्लॉग है, उसने एक बड़ा तहलका मचा दिया कि जनाब पाकिस्तान में अब सियासतदानों को एक ब्रेक देनी चाहिए। उस पर बात होगी। आज हम प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत सीनियर तज़ियाकार, उसके साथ साथ हमें कानूनी माय ज्वाइन कर रहे हैं अतीकुर रसूल साहब। खुश आमदीदें कहते हैं दोनों को प्रोग्राम में। अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे शुरुआत में लूंगा, किस तरह देखते हैं ये जो इस वक्त करंट सिनेरियो में, एक तरफ हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इस वक्त इजलास जारी है और इस वक्त बहुत सी मीटिंगें शुरू हुई हैं, और दूसरी तरफ खान साहब की गिरफ्तारी, दोनों चीज़ें क्या निगरान सेटअप से पहले खान साहब को अंदर कराना यह पहले से प्लान था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरे ख्याल है प्लानिंग वगैरह तो नहीं है, सिर्फ यह है कि वक्त की जो मेरे ख्याल में एक गेम थी उसके अंदर हमने देखा कि जो मुकदमा गालिबन सिर्फ 3 से 4 माह के अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए था, उसको 14 महीने जो है वो आगे चले गए। और अब तो बड़ी वाजे बात है, हर कोई कह रहा है कि जी PTI के वकला ये सोचते रहे कि अवामी उनके साथ एक बहुत बड़ी जम गफीर मौजूद है और अवाम का जो है एक समुंदर जो है उनको हर चीज से बचा लेगा, और कई जगह पे ऐसा हकीकत भी हुई। और फिर देखा कि जिस तरीके से वाकयात 9 मई के वाकयात रूनुमा हुए, उसके बाद जो था मेरे ख्याल में अदालत को भी समझ आया और बहुत सारे और लोगों को भी समझ आया, PTI के वकला को भी समझ आया, लेकिन तब तक जो कानूनी तकाजे थे वो तो बहुत मेरे ख्याल में उनके अंदर खराबी पैदा हो चुकी थी। और 8 महीने तक तो PTI के वकला ने, आपको पता ही है कि बहुत ही उससे ताखीर से काम लिया। नतीजा ये निकला कि जो शवाहिद पेश करने थे, जो गवाहान पेश करने थे, उनका एक मेरे ख्याल में टाइम जो है वो बार हो गया था। अब ठीक है, इसके अंदर अपील का उनको हक है और आर्टिकल 426 जो आपका है उसके हिसाब से आप जो है वो अपील मेरे ख्याल में कल दायर कराएंगे और मोस्ट लाइकली परसों उनको शायद रिलीफ भी मिल जाए। लेकिन उनके ऊपर ये एक वाहिद मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर बाकायदा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है और बहुत खतरनाक और संगीन है। दूसरी जानिब जो है उनके ऊपर एक और भी मुकदमा है और वो कादिर ट्रस्ट का मुकदमा है जो कि आप 190 मिलियन पाउंड कोई मामूली रकम नहीं होती, उसका एक मुकदमा उनके ऊपर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मामलात हैं, इनको इतनी आसानी से नहीं, और अब जितना सिलेक्शन कमीशन ने उनको ये कह दिया है कि एक आदमी जो उसको अब पार्टी के चेयरमैनशिप रखने का हक नहीं है, और फिर आपको मालूम है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि आंख लगाए बैठे हुए हैं, उनको तो ये पता है कि आज नहीं तो कल, वो तो जब वज़ीर-ए-आज़म थे चेयरमैन तो उस टाइम पे आपको मालूम है कि लोग तो उस वक्त वजारत आला के लिए किस तरह से लड़ रहे थे, और फिर बाहर जब शाह महमूद कुरैशी साहब दुनिया से बाहर जाया करते थे तो बाकायदा उन्होंने अपनी निजी महफिलों में और चंद सरकारी जगहों पर ये कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हूँ। तो फिर ये मतलब बड़ा खतरनाक है। तो PTI जो है वो ठीक है, उसके बहुत सारे लोग कोई कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी सियासत के अंदर लोग खत्म नहीं हुआ करते, सियासत में आ जाते हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। जब वेट आप करते हैं 5 साल 7 साल, अब आप देख लें तो फिर आपकी उम्र क्या खड़ी होगी। नवाज शरीफ जो है इस टाइम पे उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म है और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा परफेक्शन
और कुछ नहीं हो सकती कि उनके भाई वजीर आजम हो लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ पाए। इसका तो वाजह क्या नजर आ रहा है कि बावजूद भाई अगर वजीर आजम हो तो फिर अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और आपको कानून अपना रास्ता बना रहा है, देखिए जब एक ज्यादा हद से ज्यादा जब आप चीजों पे गुजर जाते हैं और जब आप रियासत मुखालिफ बयानिए को फरोख अब्दुल्ला गुल देते हैं साहब, लोगों के अब्दुल्ला गुल अंदर, साहब, सुनने में आ रहा है कि घर वालों को छोटा भाई ज्यादा पसंद आया बड़े भाई से। देखें छोटा भाई जो है वो तो हमेशा से पसंद था, ये कोई आज की बात तो नहीं है, छोटा भाई जो है वो हमेशा, लेकिन मसला यह है कि छोटा तो भाई वो जो जो है जिस तरफ वो आप बड़े इशारा दे भाई रहे हैं के, तो फिर उस बात की तो कोई जगह नहीं रह जाती ना। अगर छोटा भाई पसंद है तो बड़े भाई के लिए कोई अपॉर्चुनिटी पैदा ही नहीं हो सकती, फिर तो वो खुद ही नहीं मुखालफत हो नहीं जाएगी। आप ये जो गेम ऑफ पॉलिटिक्स होती है ना ये बड़ी बेरहम होती है, ये महलाती साजिशें क्या होती हैं। बिल्कुल। यहाँ तो जो टोपियां बुनने वाला सबसे बेहतरीन मुगल बादशाह था उसने भी अपने बाप की आंखें निकलवा दी थी और भाई को कुचलवा दिया था हाथी के पैर तले, तो ये तो बातें अपनी जगह है, लेकिन असल बात ये रही है कि आप पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान, जरदारी, मौलाना, क्या इनके अलावा कोई और नहीं रह गया? ठीक ये ठीक नामुमकिन नहीं है उबैद साहब, 24 करोड़ अवाम है, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे चेहरे मौजूद हैं, आप जैसा भी चेहरा मौजूद है उसमें इंशाल्लाह ताला, मुश्किल है लेकिन इसके अंदर वो कहते हैं ना खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ठीक फेयर इनफ। अतीक रसूल साहब बताइएगा, अब जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने इस बात की निशानदेही कर दी कि शायद परसों तक उनको रिलीफ भी मिल सकती है, अगर रिलीफ मिल जाती है तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी चेयरमैनशिप के अहदे से हटाना और नाअहल रहना, तो ये सारी जो इसके बाद ये वाली चीज़ें भी बरकरार रह पाएंगी, ये रिलीफ के साथ ही चीज़ें ख़त्म हो जाए, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच उबैद। देखिए अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही किया कहा कि जो सस्पेंशन है उनकी सजा की, उसके लिए वो जाएंगे 426 सीआरपीसी का और उसके तहत वो उसको अपील करेंगे डेफिनेटली, और साथ साथ उसकी जो है उन्हें सजा हुई है उसके सस्पेंशन के लिए जाएंगे ताकि जो एएसजे साहब का ऑर्डर है वो सस्पेंड किया जाए, साथ उसकी बेल भी जो है वो मूव करेंगे ताकि जो है वो जो उनका बिहाइंड दी बार रहने का सिलसिला है वो भी खत्म हो और एटलीस्ट जो है वो बाहर आने का मौका मिले, इन्हें बेल मिले और फिर मामला जो है वो आगे चले इसी तरह से। इसमें बेसिकली सबसे पहले जो कदम उठाएगी दायरा पाकिस्तान तहरीक के हिसाब वो ये होगा। जहां तक मामला है इनकी कन्विक्शन, देखें जब तक इनकी कन्विक्शन को खत्म नहीं किया जाता तब तक बाकी जो मामला है वो जू के तू रहेंगे, इनकी फॉर द टाइम बीइंग जो है वो ये सस्पेंड होगी जो सजा है, और इसका अल्टीमेटली हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि आया जो फैसला किया गया है एएसजे की कोर्ट से वो मेरिट के ऊपर के मुताबिक था या नहीं था, या ये फैसला गलत था उसको अगर ब्रश साइड कर देगी, उसको नल एंड वाइड करार दे देगी तो फिर तो मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता जिसके बारे में आप बात ये की जा रही है कि इनकी जो टेक्निकल ग्राउंड पे ये लड़ते रहे हैं बाकी जो अदरवाइज जो मामला थे इसके तहफ लेने के हवाले से और इसको डिक्लेयर करने के हवाले से या ये अदरवाइज जो दीगर चीजें जो है वो मेरिट पर बहरहाल जो है उनको कोर्ट देखेगी और अच्छा उसके ठीक बाद सब, अल्टीमेटली डिसाइड करेगी। ठीक। अच्छा ठीक सब, ये बताइएगा, खान साहब ने अपने गवाह के तौर पे अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का हवाला दिया कि उनको बुला दिया जाए, जो इस वक्त हाजिर सर्विस मेजर जनरल है मेरे ख्याल में। वो बताइएगा कि क्या अदालत इस बात की पाबंद नहीं होती कि अगर कोई भी जो बंदा है वो अपने गवाह को, जो इस वक्त किसी भी ओहदे पे हो, उसको अगर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर कहे कि जनाब इस ये मेरा गवाह के तौर पर आएगा, तो उसका कोई जिक्र, उसका किस्सा वहीं पे तमाम हुआ, आगे कोई उसकी खैर खबर नहीं, ये जरा कानूनी तौर पे इसकी हमें समझा दीजिएगा जरा। उबैद एक बात तो ये समझ लें कि जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहां पर एक्यूज है, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ये एक्यूज के तौर पर वहां पर मौजूद थे और इसमें दो चीजें चलती हैं पैरेलल। एक है कंप्लेनेंट का केस, कंप्लेनेंट ने अपने द्वारा डेफिनेटली जो उसके पास एविडेंसेज हैं वो पेश करने हैं, अपने जो उसने केस दायर किया है उसके मुताबिक उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो और अपने विटनेसेस पेश करने हैं प्रोसिक्यूशन के केस का ये ठीक, फेयर सिलसिला है। इनफ, फेयर जहां इनफ। तक मामला है एक्यूज का, जहां तक एक्यूज का मामला है एक्यूज के पास भी जो है वो डेफिनेटली मौजूद होती हैं, उसके पास भी लीगल रेमेडीज मौजूद होती हैं। आजकल आपने सुना होगा आर्टिकल जो है सेक्शन 340 और 342 का, उस पे भी जो है वो बहुत ज्यादा शोर होगा हुआ है कि उन्होंने अपने जो विटनेसेस हैं उसकी लिस्ट दी और फिर उन विटनेसेस को जो है वो कोर्ट ने नहीं बुलाया या जिसको पेश करना चाह रहे थे, बुनियादी तौर पर ये डिफेंस लेना होता है, डिफेंस लेने वाले जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये फौरी तौर पर अपना जो है वो
एक्ट करना था 35 के 35 प्लस जो है वो इस केस की पेशियां होती है इस तमाम दौरान की। अच्छा ये सारे ऑप्शन ये इस शॉर्ट में समझाइएगा अतिक रसूल साहब, शॉर्ट में समझाइएगा। फॉर एग्जांपल एक एक्यूज़ आपने खुद बात की, वो एक एक्यूज़ था उस पर इल्ज़ाम था, अगर एक्यूज़ जो बंदा है वो डिमांड करें कि मैं अपने गांव, क्योंकि वो एक स्पाई मिनिस्टर हैं, अब उसको आप नॉर्मल तो कंसीडर कर नहीं सकते, अब उसने पब्लिक ऑफिस वो होल्ड किया हुआ था, अगर वो कहें कि मेरा जो मिलिट्री सेक्रेटरी है वो इस बात का गवाह है, सबूत पेश करे कि उसने ये जो गड़ियाँ हैं वो बेची हैं, जो बकाया चीज़ें तोशाखाना से बेची हैं, तो क्या अदालत उस बंदे को गवाह के तौर पर बुला नहीं सकती? कानूनी तौर पे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुने, मैं बात आपसे बड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर दो चीजें आप समझ ली है, एक प्रोसिक्यूशन का केस है, एक जो अक्यूज्ड है उसका केस है, दोनों एक केस को जब लड़ रहे होते हैं उन्होंने अपने अपने मामलात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर मेंशन है, सेक्शन 540 जो है सीआरपीसी की वो मौजूद है, अगर कोई विटनेस कोई भी अगर जो है एट एनी स्टेज अगर उसको कोर्ट भी समझती है या accused या dependent समस्या तो वो application देके उसको जो है वो तलब कर सकता है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जो 37 पेशियां हुई है इन 37 पेशियों में वो किधर थे, फिर उसी तरह सिर्फ उसका नाम ले लेना, एप्लीकेशन बाकायदा जो है वो उसको देके जी फला accused है उसको बुलाया जाए और उसके एविडेंस जो है इस हवाले से इंपॉर्टेंट है और इसको अगर कलेक्ट नहीं किया जाता तो फिर मेरिट पे फैसला नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की चीजें हैं, इसको 37 जो पेशियां थी उनमें वो किधर सोए रहे हैं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। अच्छा अतीक साहब, अतीक साहब, अतीक साहब आप एक लॉयर हैं, आप मुझे बताइएगा कि अगर एक एक्यूज पर्सन है उसका जो भी लॉयर है, क्या उसके पास ये इख्तियार नहीं है, ये उसको क्रेडिट नहीं जाता कि वो अपने गवाह को किसी भी पेशी में जाहिर कर सकता है, 37 में से 38वें पेशी में वो वहाँ पे गवाह को पेश कर दे, तो लाजमी तो नहीं ना कि 37 से पहले वो पेश कर दे, वो उसके पास ये राइट हो सकता है मेरे ख्याल में। उबैद मैं आज कर रहा हूँ सेक्शन 540 सीआरपीसी की मौजूद है, वो इनको राइट देती है कि अगर कोई एविडेंस कोई विटनेस कोई डॉक्यूमेंट्स जरूरी है केस के लिए उनको एट एनी स्टेज एप्लीकेशन देके उनको तलब किया जा सकता है। क्या इस एप्लीकेशन इस तरह की कोई एप्लीकेशन की तरफ से आई है? 37 पेशियों में ये सोए रहे और ये सिर्फ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है कि जी हम उनको जो है वो बुला लिया जाए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसके तहत ट्रायल चलता है, कोर्ट उसी के तहत चल सकती है, ये इस तरह किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता, प्रोसीजर के मुताबिक मामला चलता है। ठीक, फेयर एनफ। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो खान साहब ने मिलिट्री सेक्रेटरी की बात की थी और गवाह के तौर पर, अभी ये एतराज़ात भी आ रहे हैं कि हमें सुना नहीं गया इसराइल कोर्ट में, फौरन फैसला सुना दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? फौरन फैसला तो नहीं सुनाया गया, मिलिट्री सेक्रेटरी के हवाले से मैं इतनी सी बात कह दूं कि मिलिट्री सेक्रेटरी का काम होता है बॉस के ऑर्डर्स को जो है ओबे करना, और पहली बात यह है कि अगर फर्ज करें वो ये कहें कि उबैद यूसुफ खान साहब जो है मैंने उनको घड़ियां दी थी, तो फिर क्या उबैद यूसुफ साहब को भी बुला लेंगे? फिर जब उबैद यूसुफ साहब कहेंगे कि जी नहीं मुझे मिले, तो फिर उसके बाद वो अतीक साहब को बुला लेंगे, फिर उसके बाद अब्दुल्ला गुल को बुला लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो सरदार खान न्याजी साहब का नाम ले लेंगे, तो 24 करोड़ लोग तो खत्म ही नहीं होंगे और आपका जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। ये अब्दुल्ला गुल साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, क्या मिलिट्री सेक्रेटरी का काम घड़ियां बेचना है या तोशाखाने से उसके नाम पे घड़ियां इशू करवाना है? अरे मैं यही आपको बता रहा हूँ कि इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए खान साहब जो है वो अगर उन्होंने एविडेंस दिया होता ना कि जी ये मैंने उनको लिख के दिया था मिलिट्री सेक्रेटरी को, इसकी बुनियाद के ऊपर उनको गवाह डाला जाए, अतीक साहब बैठे हैं बड़े पाए के वकील हैं, एक सेकंड मुझे सुनने दीजिए, अब इनसे ये बात कीजिए कि एक गवाह पेश करने के लिए आपको बकायदा लिस्ट देनी होती है, पहले से आपको देनी पड़ती है, आपके जो एविडेंस होते हैं उनको आपने केस के शुरू में, ये नहीं है कि जब आप केस हारने लगे तो पता चले कि जनाब आपने एक और ऐसे पक्ष डालने के लिए एक बना दिया, अगर कल को वो मिलिट्री सेक्रेटरी को कहें कि गाड़ियां बाहर लगवाओ मैंने जाना है और वहां कल को आगे कोई गाड़ी का टायर फट जाए तो वो मिलिट्री सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होगा, इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसने एक आगे उसको कहा गया कि आप इसकी असेसमेंट करवाएं, उसने मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भेज दिया, उसका काम पोस्ट ऑफिस का था, दैट्स इट। पोस्ट ऑफिस का काम जो है वो खत के अंदर की इबारत पढ़ना नहीं होता बल्कि पोस्ट करना होता है उसको खत को, इधर का वो पेशावर आया तो पेशावर भेज दिया, उसको अगर जापान जाना था तो जापान भेज दिया, दैट्स इट, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है उनका। ठीक ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, आपने बड़ा बेहतरीन कहा, इस पर मज़ीद भी बात होगी, लेकिन यहाँ पे जितनी भी हमारी नाज़रीन है और स्पेशली आपसे मैं इस पर कमेंट जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त
जो आइंदा आने वाले दिनों में जो मोड़ आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है, और उसकी कुछ पेशन गोइयाँ पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्टों में से एक जर्नलिस्ट कमरान खान साहब ने की है। उसने अपने व्लॉग में क्या आ गया, यकीन जाने कि मैं उस पर कमेंट करने से कासिर था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पर कमेंट करूं भी तो क्या करूं। सबसे पहले इस वीडियो को देंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। म्यूजिकल चेयर के इस खतरनाक खेल ने पहले ही पाकिस्तान की मईशत को नाकाबले तलाफी और बेहिसाब नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान तरक्की, सेहत, तालीम और के तमाम मैट्रिक्स में आलमी सतह पर सबसे नीचे है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का रियासती निज़ाम सियासत से फिलहाल थोड़े अरसे के लिए किनारा कशी इख्तियार करे। हमने पीपीपी को 4 बार, नवाज शरीफ की पीएमएलएन को 4 बार, जिसमें नवाज शरीफ 3 बार, शहबाज शरीफ 1 बार और पीटीआई को 1 बार आजमा लिया है। बस बहुत हो गया, मजीद खानदानी सियासत नहीं, बराह करम हमें एक वक्फा दें, गिव अस अ ब्रेक। ये काबिल तारीफ है कि इस वक्त सीओएस जनरल आसिम मुनीर मईशत की बहाली और इलाकाई और बैन अलाक़वामी ताकतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए एक मजबूत कैंपेन की क़यादत कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर का CIFC से का जो तसव्वुर है, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए रेड टेप फ्री विंडो और एक बहुत ज़्यादा अरसे से मुंतज़िर, ये बड़ी कलीदी पेशरफ्त है। सर समझ में नहीं आ रहा इस पे मैं आपसे क्या सवाल पूछूं। पाकिस्तान में इस वक्त सर आप मेरे ख्याल में आप खुद ही बता देंगे इस पे क्या सवाल बनता है। सवाल की बात नहीं है, मेरे वाले जनरल हमीदपुर रहमतुल्ला क्या फरमाया करते थे, यही कहते थे ना कि पाकिस्तान और ये निजाम अब इकट्ठा नहीं चलेगा। वो ये भी कहते थे कि इमरान आएगा कल को हुकूमत भी बनाएगा, लेकिन उसके बाद बुरी तरीके से नाकाम होगा और फिर नौजवानों की उम्मीदें जो है जमीन बोश होंगी, उसके बाद एक नया सिस्टम जो है वो पैदा होगा और पुराना सिस्टम लपेट दिया जाएगा। ठीक, ये वो बातें हैं। इनकलाब आएगा, यानी आपके कहने का मकसद है इनकलाब आएगा। इनकलाब नहीं, अब आपको चेंज नजर आएगा, सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है ना सर। आप सर इस देखिए, आज क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पूरी कौम से पूछता हूँ, क्या हमें आप जो है आज हुकूमत पे एतबार है? आप सच बताइएगा मुझे, क्या अदलिया पे एतबार है? नहीं। क्या आपको सहाफत पे एतबार है? नहीं। क्या आपको मईशत पे एतबार है? क्या आपको जो है वो इस सियासी निजाम पे एतबार है? सर क्या आपको जो है अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर एतबार है? सर, अगर नहीं है सर, यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल तो पूछूं, समझ लें कि इसका मतलब है कि सिस्टम चेंज हो रहा है। सर मैं माजर से, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं। सर अब्दुल्ला गुल साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल, पूछिए। मैं जी सर, आपने बात की कि आपको इदलिया पे एतबार है, मैंने कहा नहीं। आपने कहा पार्लियामेंट पे एतबार है, सियासतदानों पे एतबार है, गवर्नमेंट पे नहीं है, तो मैंने कहा नहीं। सर जिसकी वजह से अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जिसकी तरफ कमरान साहब ने इशारा दिया है, क्या उन पे अब आवाम को एतबार रह गया? और ऑप्शन क्या है आपके पास? बिल्कुल आवाम को एतबार है। ये सर इस वक्त ठीक है, ऑप्शन नहीं है। सर आप मुझे बताइए कि इस वक्त केपी में, जरा प्रोड्यूसर साहब वो ट्वीट्स चलाइएगा जो रिसेंटली हुए हैं, ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको ट्वीट्स भी दिखाता हूँ। सर इस वक्त केपी के में जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, केपी के में बाजोड़ इंसिडेंट और जो बाड़ा में हुआ है उसके बाद जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, पख्तूनिस्तान का मूवमेंट दोबारा से तेजी से उसने पीक पकड़ी है, बलूचिस्तान के आपके पास हालात वाजे है, ये जो सिचुएशंस अभी पैदा हो रही हैं और इस वक्त नफरत की एक जो आग बड़क उठी है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बीइंग अ पख्तून, बीइंग अ पाकिस्तानी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम में इतना गम गुस्सा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसके खिलाफ है किसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो गम व गुस्सा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। सर आप जो इशारा, आप जिसकी तरफ बात कर रहे हैं, आखिर में मेरे ख्याल में मुझे ऑप्शन नजर आ रहा है और ऑप्शन मेरे पास सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्शन है, पॉलिटिकल ऑप्शन के अलावा कोई नहीं है सर। नहीं, उबैद साहब ऐसा नहीं है, नहीं, जी, सर आप बता दें, नहीं होता। पॉलिटिक्स जो होती है वो मुल्क बनाती भी है और पॉलिटिक्स मुल्क तोड़ती भी है, और हमने दोनों चीजें देखी हैं। अब दूसरी बात यह है कि आप इदारों के खिलाफ नफरत जो थी वो जानबूझ के भरी गई। अब तो मेरे ख्याल में ये सारे टेलीविजन चैनल और निजी चैनल आपके समेत दिखा चुके हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो लोग कहाँ से किस तरीके से पैसे वसूल कर रहे थे, किस तरीके से उनको हिदायत जारी थी, कौन कौन लोग जो थे वो इसके अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं रही। और वो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे वो मगरिब से चल रहे थे, भारत से चल रहे थे, इसराइल के जेर साया चल रहे थे, तो फिर इसका मतलब तो बड़ा वाजे है। देखें,
इस सारी चीज के बावजूद जब पीडीएम की हुकूमत ये दो चार दिन में जब जाती है तो आप देखेंगे कि तकरीबन 50-75% इस जो सोच और फिक्र है जो कि तशद्दद पुरतशद्दद सोच है इसके अंदर कमी आ जाएगी। ये हुब्बे अली ऐसा नहीं है, बोगज़े मुआविया ज्यादा है। मसला ये है, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अफवाज पाकिस्तान जो है उसने हर हालत में सिक्योरिटी की बात करनी है, उसके कंसर्न जो है मुआशी सिक्योरिटी भी है, उसके कंसर्न जो है वो इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं वो भी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी भी है। और ये जो आप बता रहे हैं पूरा खाका कि इस टाइम पे एक कैफियत बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में या दीगर जगह पे या बलूचिस्तान के अंदर, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कौन है, मुझे ये बताएं दहशत गर्द जो है वो कहां से पैदा हो रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। सर मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। सर आपको पता है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मेजर मसाइल क्या है? बिल्कुल मेजर मसाइल जो है उनके अपने सोच जो है वो डिस्टॉर्ट करके रख दी है। नहीं सर, मसला क्या है जिस वजह से आवाम निकल रही है, जो मैंने जिस मूवमेंट की बात की है, अवाम इस वजह से निकल रही है कि पहले क्या पीटीएम की जो मूवमेंट थी उसको हम नहीं जानते थे कि अफगानिस्तान में वो किससे मिलने हेलीकॉप्टरों पे जाया करते थे। सर मैं कह रहा हूँ कि मसाइल क्या हैं, मसाइल क्या हैं जिस वजह से ये लोग मूवमेंट्स बन रही हैं, मसला क्या है? ये है कि आपके ना अहल हुक्मरान हैं, ये एक असल हकीकत है, माजी में भी थे और अब भी हैं, और उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है पाकिस्तान के साथ। क्या कमिटमेंट है मुझे बताएं आप? सर मसाइल की अपनी पार्टी के साथ सर मसाइल ये हैं, वो दूसरों के साथ क्या करेंगे? सर मसाइल मैं आपको बताता हूँ, मसाइल सर ये है कि केपीके में बलूचिस्तान में मेजर, चाहे वो गलती, मैं ये नहीं कहता कि गलती किसकी है, गलती ऑब्वियसली पॉलिटिकल की भी होगी और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की भी है, मसाइल केपीके में ये है कि $35 मिलियन की वहां से जो माइनिंग करके बाहर एक्सपोर्ट की गई है उसके बदले में केपीए में अब तक क्या डेवलपमेंट की गई है। मैं उस मर्ज डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में एक आर्म फोर्सेस के बंदे हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, वहां की जो लोकल प्रोडक्शन है, वहां की जो लोकल आबादी को वॉर ऑन टेरर के बाद कितना वो नुकसान पहुंचा, उसके बाद अमन की बात कर रहे हैं, वहां पे मूवमेंट्स मैं अपोज कर रहा हूं, मैं अपोज कर रहा हूं, पाकिस्तान पाकिस्तान फर्स्ट है, बात यहां पे सारे अपोज कर रहे हैं। द थिंग इज कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अब प्रायोरिटाइज किस चीज को सबसे पहले करेंगे, वहां पे अमन को करेंगे या पॉलिटिक्स को करेंगे? देखें जो अभी आपने बात कही है, आप भी जानते हैं पूरे फाटा के अंदर क्या सड़कें नहीं बनी, किसने बना के दी, वो जो पुल थे खत्म वो किसने बना के दिए, जब फाटा में ऑपरेशन हुए आप मुझे बताएं वहां कितने स्कूल थे, अब कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज बना दिए गए, कौन कर रहे हैं? अफवाज पाकिस्तान कर रही है। अफसोस की बात यह है कि सिविल इंतजामिया किधर है, जब वो मर्जर हुआ था और मैं उस टाइम पे भी उबैद साहब आपको बोलता था कि नहीं इसके लिए एक पूरा लाहे अमल होना चाहिए, आज वो आर्मी चीफ साहब ने किला बाला हसार के अंदर बोल दिया। अब जो उनको पैसे एलोकेट होने थे वो किसने एलोकेट करने थे? सिविल गवर्नमेंट ने करने थे ना, पहले पीटीआई की हुकूमत ने करने थे और बाद में अभी जो हुकूमत आई उसने करने थे, क्यों नहीं एलोकेट किए? इसका मतलब है कि प्रॉब्लम क्या है, दूसरों के गंद जो है वो पाकिस्तान फौज धोए, ये क्यों, ये कहां की बात है? कुर्बानियां हैं तो वो पाकिस्तान फौज दे, दहशत गर्दों के साथ लड़े तो वो पाकिस्तान फौज लड़े, कितने जो है वो जाके लोगों ने बॉर्डरों के ऊपर अपने बच्चों को भेजा और कहा है कि जाओ और तुम जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योर करो, दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ो, टीटीपी के खिलाफ लड़ो, फलाने के खिलाफ करो, बीएलए बीएलआर बीएलएफ के खिलाफ लड़ो, कितने लोगों ने कहा है? आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने बात कही है, देखें उनकी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, आज भी वादा किया है कि वो तमाम जो फंड आपके रुके हुए हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन वही वाली बात है कि जब आप इतना बैकलॉग इकट्ठा कर लेंगे और माजी की हुकूमतें, एक आपका जो बस का मंसूबा जो मेट्रो बस वहां थी, आपको मालूम नहीं है कि उसका क्या हाल रहा और किस तरीके से पेशावर शहर और उसके मजाफात के लोग जो है वो भुगते, और कौन सी डेवलपमेंट हुई है केपी में, क्या आप उसकी सिक्योरिटी सूरत हाल का देख लें कि बनू जब वो थाने के ऊपर हमला होता है और वो सीटीडी के तमाम लोगों को पकड़ लेते हैं तो पूरी जो केपी की पुलिस और पूरी केपी की जो सीटीडी थी वो उसको जो है वो छुड़वा नहीं सकी, फौज का कप्तान जाता है एसएसजी का और चंद अपने सिपाहियों के साथ छुड़वा लेते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ये भी रियलिटी है, बिल्कुल ये रियलिटी है। अब्दुल्ला गुल साहब अभी वे फॉरवर्ड पे जाते हैं, आपको पता है आप मुझे बड़े अरसे से
जानते हैं और पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान के लिए हमने स्टेप्स लेने ताकि जो इंस्टेबिलिटी है उसको हम रिमूव कर सकें, चाहे वो सहाफत के दायरे में रह के हो, चाहे वो यूथ के दायरे में रह के हो या पॉलिटिक्स के दायरे में रह के हो। अभी बात ये करनी है हमने कि इस वक्त मैंने कुछ हल्कों से बात की, आप कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, इस वक्त जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके खिलाफ इसको किस तरीके से काउंटर करें, क्योंकि आप केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में आप रिएक्टिव नहीं हो सकते। जितना आप रिएक्टिव होंगे उतना वो लोग ज्यादा अपोज करेंगे। तो आपके मुताबिक अभी कौन सी पॉलिसी इस 21st सेंचुरी में ज्यादा एप्लीकेबल होगी? देखें, मेरे ख्याल में एंगेजमेंट की पॉलिसी चल रही है। आपने देखा कि आज भी आर्मी चीफ जो है वो कबाइल के जिरगे के साथ, अमायदीन के साथ बैठे और उनके साथ उनकी गुफ्तगू को बड़ी तसल्ली के साथ सुना। ये एक अच्छा एंगल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के अंदर एंगेजमेंट के प्लान जो है वो भी चल रहे हैं। एक काउंटर नैरेटिव जो है बड़ा ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान के हवाले से मामलात हैं उनके ऊपर भी बातचीत जारी है और बड़ा वाजे कह दिया। देखिए, मैंने नहीं सुना कि किसी ने इतने अरसे के बाद किसी आर्मी चीफ ने कहा है कि हम ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह की फौज हैं। उन्होंने कहा कि हम जहाद कर रहे हैं। ये लफ्ज जो है जीम तो खत्म हो गया था, ये कानूनदान हमारे बैठे हैं इनको पता है कि जीम लफ्ज बोलना बंद कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जो है वो जब गए अपना आर्मी चीफ बने तो कश्मीर की तरफ पहला उन्होंने विजिट किया और उन्होंने कहा हम घुस के मारेंगे। अब ये देखें कि ये दुनिया मगरब जो है और इंटरनेशनल फोर्सेज उनको तकलीफ शुरू हो गई है कि पाकिस्तान वेस्ट से ईस्ट की जानिब आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ, अफगानिस्तान और रूस के साथ ताल्लुकात पैदा कर रहे हैं। सलाह तो देंगे ना वो लोगों को यही। और फिर देखें उबैद साहब, आखिरी बात करके ये बताइए कि कितना ट्रेंड चल रहा है, ये बताए ना कि अगर लेट से 1 लाख 1.5 लाख ट्विटर के ऊपर ट्रेंड है, डू यू कॉल इट कि ये एक बहुत बड़ी जो है मूवमेंट चल रही है? अगर 24 करोड़ 10 लाख लोग हैं और उसके अंदर जो है वो 1.5 लाख या 2 लाख लोग जो है वो ट्विटर पे या फेसबुक पे चल रहे हैं, डू यू कॉल इट ए मेजोरिटी? सही कह रहे हैं आप। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड वॉर के ज़ुमरे में है और बहुत से जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अस्करी इदारों के ख़िलाफ़ इस वक्त बड़े सरगर्म हैं। हमारे इदारे का भी एक उसूल है कि जनाब हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े रहना है और हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम हर तरीके से पाकिस्तान के इदारों और उनके खिलाफ जो लोग काम करें उनको हम हाईलाइट करें और उनके लिए किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए ये भी हम उस पर यहाँ पे एक्सपर्ट्स के थ्रू डिबेट हो सके उस पर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से शुरुआत लेंगे। लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो नेगेटिविटी फैल रही है उसको हमारे इदारे और हमारे जो पॉलिटिकल इस वक्त इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से काउंटर कर सकती है। ये बात बड़ी वाजह है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के इस हाइब्रिड वॉर के ज़ुमरे में आ चुका है और बहुत से हमारे जो दोस्त ममालिक हैं और उसके साथ साथ जो बकाया ममालिक हैं उनका इंटरेस्ट यहाँ पे, और इस इंटरेस्ट की वजह से इतना आसान नहीं है कि इस खित्ते में अपने आप को न्यूट्रल रखना। तो अब जो मेजर पावर ब्लॉक्स में भी आपकी पॉलिटिक्स है और उसमें भी आपका एक बहुत बड़ा रोल है, तो इस वजह से कई जगहों पे इंटरेस्ट की वजह से आपको बहुत सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और इस वजह से वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। तो हमारे दारी भी शायद किसी न किसी चीज़ पे ये कॉस्ट पे कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान में जिस तरीके से नेगेटिविटी फैल रही है। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब की एक बात बड़ी बेहतरीन लगी मुझे कि अगर आप ट्विटर पे ट्रेंड देखते हैं या फेसबुक यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं जिस पे लाखों या इवन मिलियंस में भी व्यूज़ आ जाते हैं, तो ये भी आप समझ लें कि पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन प्लस है और अगर इसमें 1-2 मिलियन व्यूज़ किसी वीडियो पे आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि वो 0.5% शायद उससे भी कम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसके बगैर जब बाकी आप उसका स्टेटिस्टिक उसके निकाल लें तो आप समझ जाएंगे कि 99.5% जो लोग हैं वो शायद कुछ और राय रखते हैं। अतीक रसूल साहब, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो इंसाफ का है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मसाइल इस वक्त हैं वो इंसाफ का ना मिलना, अदलिया पे उस तरीके का ट्रस्ट ना होना, अदलिया से इंसाफ का वक्त पे इंसाफ का ना मिलना और इदारों पे जो एक एतमाद है उसका हट जाना, मेरे ख्याल में यही बुनियादी वजूहात है? देखिए, ये
एक आध या दो मसाइल तो ये हो सकते हैं, पाकिस्तान इस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार है। आप इस वक्त सूरत हाल ऐसी चल रही है कि हर एक मैटर जो है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो अदरवाइज किसी का कोई मसला हो, वो उठा के जो है वो चाहे हाईकोर्ट में ले जाए, उसका दिल करता है तो वो हाईकोर्ट में ले जाता है या सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है या इवन जो लोअर जुडिशरी है हमारी वहां पर भी, अगर कुछ जिस तरह आजकल एक वो जो हाउसमेड है उसका केस चल रहा है, उस पर मीडिया जो है वो हर वक्त जो है वो तबल बजा रहा है। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि किसी एक इदारे के पीछे जब मीडिया पड़ जाता है तो फिर हाथ धो के पड़ जाता है, वो इस मसले को नहीं देखता कि जो यहाँ पर जो कुछ वो बयान कर रहा है मीडिया के जरिए, अदरवाइज इसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारा ये मसला जरूर है, अदलिया का मसला जरूर है, लोग परेशान जरूर हैं, इंसाफ के मामला उस तरह से नहीं है जिसे आप आइडियल कह सकते हैं, लेकिन ये एक मसला है। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं जिनका शिकार ये मुल्क जो है वो पिछले 75 सालों से रहा है, लेकिन असल मसला मैं जो समझता हूँ वो ये है कि इन मसाइल को हल करने वाले जो लोग हैं, जो साहिब इक्तदार लोग हैं, जो साहिब इख्तियार लोग हैं, उनकी नॉन सीरियसनेस है, उनकी नेग्लिजेंस है, ये उनकी गफलत है। वो गाफिल रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई, प्रॉपर अमल दरामद नहीं किया, वो आपस में अपने सियासी मामलात को जाती मामलात तक ले गए हैं, जाती उन्होंने जंग बना दी है, और उनकी इस जाती जंग की वजह से नुकसान जो है वो इस मुल्क को हुआ है, इस मुल्क के इदारों को है। अगर किसी की जाती चपकलिश अगर किसी के साथ, किसी शख्सियत के साथ आ गई है, पर्सनैलिटी क्लैश अगर हो गया है, और उस पर्सनैलिटी क्लैश को लेके जो है वो कभी इवान सदर, कभी इवान वजिया साहब, कभी कोर्ट, कभी किसी और इदारे का जो है वो लेके चलते हैं, अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो वहां से शुरू होकर ग्रास रूट लेवल तक जो है वो आवाम तक आ जाता है। मसला ये है कि जो अपने आप को कहते हैं कि हम पब्लिक फिगर हैं, हम आवाम के खादिम हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें जो कुछ करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया। इसी तरह वो अपनी सियासत को, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर चलने वाला जो मामला है उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये मसला जो है वो पार्लियामेंट में हमें जिनकी जिम्मेदारी है हल करने की, हमसे हल नहीं हो पा रहा, आप इसमें से कोई रास्ता निकाल दें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उनके सामने अगर कोई लीगल इश्यू आएगा तो अल्टीमेटली उन्होंने कुछ डिसाइड करना है। माजी में ये होता रहा है, बड़ी बदकिस्मती हमारी ये भी रही है कि वहां पर भी बाद शख्सियात माजी में ऐसी गुजरी है कि जिन्होंने आइन और कानून को मद्देनजर रखने के बजाय अपने जाती मामले को जो है वो मद्देनजर रख के कोई फैसला कर दिया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट सेट हुआ और हमें जो है वो नुकसान होता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर आप किसी एक इदारे को बुरा ना कहें, बल्कि ये मामला जो है बरसात रात से चल रहा है, और हमारे, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कसूरवार है तो वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं। ठीक ठीक, अब्दुल्ला गुल साहब, अतीक रसूल साहब की बात भी इसी पेंड हुई कि सबसे ज्यादा जो कसूरवार हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। आप कैसे समझते हैं कि अगर पॉलिटिशियन ही कसूरवार हैं तो इस मुल्क को आगे कौन लेके जाएगा? आपने पहले इसी तरफ निशानदेही की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस पे खुल के बात करें, क्योंकि अगर यही जुर्मदार हैं तो आगे जो पाकिस्तान में नफरत फैल रही है उस नफरत को कंट्रोल कौन करेगा? अबैद भाई देखिए, मैं आपको एक बड़े दर्द दिल से बात कहना चाहता हूं। मैं भी सरबराह हूं तहरीक जवानान का, लेकिन हकीकत यह है कि क्या मेरा मंशूर जो है वो कहता है कि मैं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की मुखालफत करूंगा, गरीब को गरीब कर दूंगा और पाकिस्तान में बुराई लाऊंगा? तो ऐसा कुछ नहीं कहता। तो क्या ये जो दीगर जितनी भी पार्टियां हैं, क्या इनके मंशूर ऐसा कहते हैं? नहीं कहते। तो फिर ये सब ड्रामाबाजी है, ये एक हकीकत है। चाइना का दुनिया के सामने एक तरक्की का रोल है मेरे ख्याल में, वो तो किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, और वहां एक पार्टी रूल है, और आप देखें कि उन सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि एक पार्टी जिसका मकसद जिसको भी सियासत में शौक है वो एक तरीके से आए। यहाँ कौन सी पार्टी का 99.99% लोगों ने कहा खान साहब को कि मत तोड़ें पंजाब असेंबली, मत तोड़ें केपी असेंबली। अभी कामरान खान साहब का आपने दिखाया, उनका अंग्रेजी के अंदर भी एक ट्वीट मौजूद है, उसमें तमाम उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो तो मेरी मुर्शिद है और उन्हीं के कहने पर मैं चलूंगा, और वो पूरा कामरान खान साहब जो उन्होंने बाकायदा बात की है। अब मसला यहाँ यह है कि पाकिस्तान को यकीनन मसाइल है, लेकिन इंटरनेशनल भी मसाइल है। आप देखिए ना कि एक तरफ अमेरिका जंग हार के जाता है दहशतगर्दी की, और उसके बाद हम जो है वो उसको अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाबी काफी हद तक हासिल करते हैं, और हमारे पास वसाइल क्या थे?
अब उनको ये तकलीफ हो रही है, उन्होंने किसी पे मलबा डालना था, पाकिस्तान फौज के ऊपर मलबा डालना था, भारत को तकलीफ हो रही है, आपका मशरकी बॉर्डर को कमजोर, आपने कमजोर करके मगरबी बॉर्डर के ऊपर उन्होंने उलझा दिया है। ये सारे सोशल मीडिया के जितने भी, आप मुझे बताएं, आपको याद होगा कि जब तहरीके लबैक का मामला चल रहा था तो जरा आप सिर्फ लबैक लिखते थे तो आपका सोशल मीडिया बंद हो जाता था, इंटरनेशनल कुवतें बंद करती थी ना आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, आपका जो है फेसबुक, आपका यूट्यूब। आज क्यों नहीं बंद हो रहा, जबकि इनके अपने तरीकेकार बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि किसी किस्म के भी जो वायलेंस है अगर उसको शो किया जाएगा, किसी किस्म के भी स्टेट सीक्रेट्स को बताया जाएगा, किसी किस्म के भी जो गवर्नमेंट रिलेटेड फेक डॉक्यूमेंट या जेन्युइन डॉक्यूमेंट अगर उनको दिखाया जाएगा तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहे बंद, पता तो चले ना, वैसा ये बात है। दूसरा ये है कि यहाँ जो मामलात हैं, यहाँ जानबूझ के एक ग्रेट गेम जो है उसको शुरू कर दिया गया है, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े हुब्बुल वतन लोग भी मौजूद हैं, चंद शहरों के अंदर और हवा होती है, जो देहात कस्बे हैं उनके मसाइल और है। आपने मसाइल की बात की थी, आम आदमी को रोटी से मसला है, आम आदमी को जो है उसके नहर का पानी उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आम आदमी को उसकी बिजली से मसला है, आम आदमी को उसकी गैस से मसला है, आम आदमी को उसके रोजगार से मसला है, इंसाफ से मसला है। अगर आप ये चीजें, एक जमाना था केपी जो है वो अपनी पुलिस के हवाले से नंबर वन तस्वर किया जाता था, फिर जो है वो खान साहब जो है वो लेके आए दुरानी साहब को, जो उनके बेहतरीन चीफ मिनिस्टर का वो अपना जो आईजी पुलिस थे, फिर दुरानी साहब को जब पंजाब रिफॉर्म्स के ऊपर लगाया गया, फिर वो दुरानी साहब कहाँ गए, मैं दे पूछने, एक सवाल है ना जी, ये हमें पूछना चाहिए। फिर इसी तरीके से जो हमें फाटा के हवाले से वादे वईद किए गए थे वो किसने पूरे करने थे, फौज ने तो नहीं करने थे ना, तो फिर जिसने करने थे उन्होंने क्यों नहीं किए गए। अब यही बात अगर आप कानून की बात कर लें तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि तमाम पार्टियों ने मिलकर समेत पीटीआई ने 106 दिन के ऊपर क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, तो तब क्या आईन वायलेट नहीं हुआ था, क्यों जी ये अतीकुर रसूल साहब बैठे हुए, क्या आईन वायलेट तब नहीं हो गया। आईन वाइन जो है ना, अभी आप ये कोई नीलम परी नहीं है, आपको यू नीड ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये है वो जो कामरान खान साहब बात कर रहे हैं, उनको यही पता चल रहा है कि ये निजाम अब ठहरेगा नहीं। आम आदमी को, नौजवान नस्ल को हमने सियासत में और इस किस्म की वाहियात सियासत में नहीं उलझाना। इंडिया को देखें आप, इंडिया के अंदर जो नौजवान है, पढ़ा लिखा जवान जो है, इस टाइम पे वो पैसे कमा रहा है, डॉलरों में कमा रहा है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, अगर मैं आपसे कुछ चंद सवालात पूछूं और उसका मैं चाहता हूं कि आप अगर क्विक जवाब दे दें तो ज़्यादा मेरे पास सवालात आपसे पूछ पाऊंगा। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको लगता है कि आने वाली जो हुकूमत है वो पॉलिटिकल होगी या नॉन पॉलिटिकल? नॉन पॉलिटिकल होगी। ओके अब्दुल्ला गुल साहब, ठीक अब्दुल्ला गुल साहब बताइएगा कि वक्त पे इंतखाबात हो पाएंगे? नहीं, मुझे कोई रीजन नहीं नजर आ रहा वक्त पे इंतखाबात, वो तो खुद तमाम गवर्नमेंट की पार्टियां खुद अंदिया दे रही हैं कि वक्त पे इंतखाबात नहीं नजर आ रहा। निगरान सेटअप अगर खत्म होता है लिट से तो इलेक्टेबल्स आएंगे या सिलेक्टेबल्स आएंगे? इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी या सिलेक्टेड होगी? इंसान के बच्चे आएंगे, इंसान के बच्चे आ जाएंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्यों, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसी क्या बात है, कोई ऐसी मायूसी की बात नहीं है। मायूसियां फैलाई गई हैं, ये जो बातें करते हैं ना लोग, फलाना आदमी आखिरी उम्मीद है, वो क्या कुफर। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल सर, आखिरी उम्मीद अल्लाह ताला होती है हमेशा। आखिरी सवाल सर, क्या वो पोलराइज सेटअप होगा या हमारे पास शाफो शफाफ सिर्फ एक पॉलिटिकल सेटअप या नॉन पॉलिटिकल सेटअप के तौर पे सामने आ जाएगा? जो इस सेटअप होगा जो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक होगा इंशाल्लाह ताला। नहीं सर, यही पाकिस्तान पोलराइजेशन उसमें होगी या नहीं होगी? पोलराइजेशन तो मेरे भाई हर जगह होती है, आपको पता है पोलराइजेशन तो आम एक मस्जिद से साथ वाली मस्जिद के मौलवी के दरमियान में भी पोलराइजेशन चलो ठीक होगा, भी पोलराइजेशन है। चलो ठीक है, अतीक रसूल साहब आपसे भी कुछ सवाल जानने की कोशिश करूंगा मैं। अतीक रसूल साहब बताइएगा, आप क्या समझते हैं बीइंग जो कानूनी माहिर के तौर पे, कानूनी जो आपकी अपनी राय है उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि आने वाले सितंबर में जस्टिस फैज ईसा साहब आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए फिर वही मसला आ जाता है, मेरी अगर आप राय पूछे तो वो फैज ईसा साहब आ रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपने एक आईनी ओहदे का जो है वो हलफ लेना है और आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है,
उससे मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को या उनको कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। उन्होंने जो भी उनके सामने मैटर जाएगा उन्हें आईन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करना है। अतीक साहब, अब्दुल्ला गुल साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की, मुझे पसंद आए कि इस वक्त आईन को छोड़ दें, आईन 106 दिन में उस वक्त वायलेट हो रहा था, तब किसी को फिक्र नहीं थी, तो आईन और कानून तो इस वक्त वायलेट हो रहा है ना, आईन और कानून से हट के अब बात करेंगे फैजीसा साहब के हवाले से, इस वक्त तो फेवरेटिज्म है और इस वक्त चीजों को बड़े अलग एंगल से देखा जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं जो अदलिया का पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें आए दिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले अलग होंगे, इस्लामाबाद के अलग होंगे, सुप्रीम कोर्ट किसी और को फेवर करेगा, आप क्या समझते हैं जस्टिस फैजीसा साहब आएंगे तो क्या उसके बाद भी ये जो चीमागोइयां हो रही हैं वो स्टिल जारी रहेगी? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में चाहे बदयाल साहब थे, चाहे साकिब निसार साहब थे, चाहे आसिफ सईद खोसा साहब थे, चाहे तसल्लुक जिलानी साहब थे, आप पूरी एक लिस्ट उठा के आप अपनी तारीख देख ले, आप इन तमाम चीज जस्टिस साहिबान को देखेंगे तो हर एक के नाम के साथ किसी ना किसी सियासी जमात का कोई ना कोई सिलसिला जो है वो जुड़ा हुआ है। मैं जब तक आईन जो है वो मौजूद है, चाहे जिस हैसियत में भी है, मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये मौजूद है इसके मुताबिक ही जो है वो फैसला होगा। बाकी ये कहने की बातें हैं वायलेट हो रहा है नहीं हो रहा, असल इशू ये है कि ये जो अमल दरामद करना चाहिए था वो किसने करना था, और अगर नहीं हो रहा तो किसको क्या करना चाहिए था। बाकी ये है कि हमें उम्मीद, जैसे अब्दुल्ला गुल साहब की बात है कि अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, एक अच्छा जो है वो सिलसिला हमारे लिए आगे इंतजार कर रहा है और मामला देखे दिन ब दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ ये हो रहा है कि आप खराबियों की तरफ जा रहे हैं, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। पॉलिटिशियंस को भी अब ये समझ आ रही है, इदारों को भी अब ये समझ आ रही है, अदलिया को भी समझ आ रही है कि अगर इसी तरह से चले गए तो खुदा ना खास्ता इदारे, आप देखें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों का अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर आप किस पे ट्रस्ट करेंगे, आवाम किधर जाएंगे? अगर आपका अदलिया का सिस्टम बैठता है तो फिर कौन होगा? तो ये सारी चीजें अदलिया के जो मुक्तदर लोग हैं वो देख रहे हैं, बाकी इदारे भी देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी देख रहे हैं। ठीक, फेयर एनफ। ठीक, अब्दुल्ला गुल साहब, हमारे पास उनके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं जानना चाहूँगा आपसे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तानियों को, और इस वक्त जो एक नाउमीदी चाही हुई है क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये हमें देखना चाहिए कि क्या ये नाउमीदी खुद ताकता है या जो है इससे हकायक से बरक्स है। अगर नाउमीदी होती और पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बन चुका होता, पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ कोरिया होता, पाकिस्तान ईरान होता, तो मेरे भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि सऊदी अरब पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चीन जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूएई इतने बड़े लेवल के ऊपर क्यों आना चाह रहा है, यूरोप के ममालिक जो है वो क्यों आना चाह रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं कहता हूँ एक डेलीगेशन के ऊपर दूसरा डेलीगेशन आ रहा था, जर्मन आर्मी चीफ आ रहे हैं, आपके अमेरिकन जो कहते हैं कि जी अमेरिका के साथ रवाबित और हम तो बड़ी बैड बुक में आ गए, तो क्या सेंटकॉम का कमांडर जो जनरल माइकल कोरेला आया था वो नॉर्थ कोरिया गया, क्या वो ईरान गया, क्या वो किसी और जगह गया, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान क्यों आया हजू? ये सोचने वाली बातें हैं ना। इसका मतलब है कि दुनिया के फैसलों का महवर जो है वो पाकिस्तान हो गया है। और ये अलहदा बात है कि जब उन्होंने पाकिस्तान को बॉर्डरों पे उलझा के देखा तो बॉर्डर पे पाकिस्तान नहीं पकड़ा गया, जब उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल आर्म ट्विस्टिंग की तो पाकिस्तान नहीं पकड़ा गया, जब उन्होंने पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी के उसमें फंसाया पाकिस्तान नहीं पकड़ा गया, तो पाकिस्तान जब, और सबसे बड़ी आपने खुद ही फरमाया हाइब्रिड वॉर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर वो थी जो उसका शाखसाना 9 मई को वो हुआ। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला कर पाया है तो मेरा पाकिस्तान। ठीक, फेयर एनफ। अतीक रसूल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक चीज ये समझिए कि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वक्त के साथ साथ सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। सिर्फ ये है कि हमारे नौजवान को ये देखना है कि उसने अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करना है। अगर वो इसी तरह से जो कहते हैं ना कि उनकी अपनी एनर्जी दे और इस तरह के मामलात में वो जाया करता रहेगा कि बैठ के फजूल किस्म की डिस्कशन में रहे, जिस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की थी कि आजकल दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वो ऑनलाइन तरीके से अर्ज करें, वो अपनी पाकिस्तान के अंदर डॉलर लेके आए, वो ये सोच रहे हैं कि हमारा पुराना खाता हमारे मुल्क में जो है वो आगे आने वाले दिन परेशानी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव साइड पे इस्तेमाल करें, अपने मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी जिम्मेदारी को समझें। ठीक, फेयर एनफ। ये थे आज हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से बात की कि किस तरीके से पाकिस्तान के इस
करंट सिनेरियो में जो मुश्किलात हैं और उस मुश्किलात का हल भी है और हल कौन सा है उसके बारे में उन्होंने बात की। साथ ही साथ अतीक रसूल साहब ने भी बात की बड़ी खूबसूरत तरीके से कि इस वक्त नाउमीदी तो ज़रूर है लेकिन उस नाउमीदी में भी एक उम्मीद की किरण है और आने वाले दौर में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के पोलिटिकल फिगर्स के हाथ में है और आज नहीं तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक अच्छी पॉलिटिकल सेटअप की उम्मीद हम रख सकते हैं। अच्छे लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, नौजवान क़यादत आएगी और अगर ये जो फेवरेटिज़म है इससे हट के, डायग्नोस्टिक पॉलिटिक्स से हट के और ये जो एक ख़ानदानी सियासत से निकल के और पाकिस्तान में सियासत को सियासी दरवाज़ों के अंदर रह के उसको छोड़ा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। और जिस तरीके से अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की कि पाकिस्तान की तरफ इस वक्त बहुत से मेजर पावर्स की निगाहें हैं, अमेरिका यहाँ उसका इंटरेस्ट है, चीन का है, यहाँ पे आपके रशिया का है, मिडल ईस्ट का है, सारे ममालिक का है, ये गेटवे है, रीजन्स के बीच में कनेक्टिविटी के लिए इज़ अ ब्रिज काम कर रहा है। मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान इज़ अ स्विंग स्टेट किरदार अदा कर रहा है इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो ये गलत नहीं होगा। तो पाकिस्तान के पास वो सब कुछ है जिससे वो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है बड़े कम मुदत में, लेकिन एक चीज उसके लिए बड़ी लाजिम है और वो है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और साथ ही साथ आपके अगर ये दो स्टेबिलिटीज आ जाएं तो मेरे ख्याल में मुआशी इस्तेकाम मुश्किल नहीं है। आप इतने मुआशी तौर पे आपके में इस्तेकाम आ जाएगा कि शायद आपको किसी मुल्क के सामने हाथ पैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए चाहिए कि हर एक बंदा, हर एक पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी के तौर पर, एक पाकिस्तानी शायरी के तौर पर मनवा सके और ये काम सिर्फ सियासतदानों का नहीं है, ये काम हम आम पाकिस्तानियों का भी है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।